हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। वैसे मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ दिल्ली की फेमस मार्केट और वहाँ के लेस टू लेस प्राइसेस में आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, वो सब एक्सप्लोर करवाती हूँ। बट आज के व्लॉग में आपको वो नहीं देखने मिलेगा। आज के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि इतनी सारी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद मैंने क्या क्या चीजें खरीदी है, पर्सनली मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी और रीजनेबल प्राइस में खरीदी है। सबसे पहले आपको चांदनी चौक की शॉपिंग की चीजें दिखाऊंगी, उसके बाद आपको लाजपत से मैंने क्या खरीदी है, करोल बाग से मैंने क्या लिया था, ये सब आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा। तो चलिए फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बट व्लॉग स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सामान मेरे साथ है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई नो कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि मैंने क्या क्या चीजें परचेज करी है। क्योंकि मैं मोस्टली व्लॉग आपको दिखाती हूँ मार्केट के क्या क्या चीजें अच्छी हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये रीजनेबल प्राइस में है, बट मैं कभी भी इसकी वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया। और मैं हर बार यही बोल के टाल देती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो नहीं आ पाता है। तो गाइज आज फाइनली वो ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो शुरुआत करेंगे चांदनी चौक के उस मार्केट से जहां से मैंने होलसेल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे सूट खरीदे हैं, थाउजेंड थाउजेंड की रेंज में। जैसे मैंने आपको उसी टाइम पे मेंशन कर दिया था और लास्ट ब्लॉग आ चुका है, जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, तो क्लिक करो जा करके देखो। अच्छी चीजें हैं जो मैंने बाय करी वो आपको इस ब्लॉग में देखने मिलेगी, बट जो वहां पर और भी चीजें प्यारी थी वो आपको उस ब्लॉग में देखने मिलेगी। इससे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है चिकन करी सूट, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था। सो फर्स्ट वन, ये जितना वीडियो में खूबसूरत नहीं है गाइस, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये सामने से है, क्योंकि आपसे देखिए ध्यान से, और इस पर प्रॉपर वर्क हुआ है कुछ इस तरह से। ये प्रॉपर कॉटन मटेरियल है एंड ये भी कॉटन है, प्लस इस पर थ्रेड वर्क हुआ है और इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस का भी काम है, हल्का हल्का चमचम सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, और प्रॉपर चिकन करी है। और ये मुझे मिला है 1000 रुपीज, अनबिलीवेबल है, आई नो, क्योंकि ये पूरे में वर्क हुआ है, पूरे प्रॉपर कुर्ते में वर्क है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों। एंड जो इसका पजामा है वो प्योर कॉटन है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और अच्छा वाला कॉटन है। तो ये सूट मेरे को मिला है 1000 रुपीज में। एंड दिस इज माई वन एंड ओनली सिस्टर, ये मेरी टोटो के लिए है। आई डोंट नो कि उसे कैसा लगेगा, क्योंकि ये वाइट एंड ये कलरफुल दुपट्टे का कॉम्बिनेशन है, बट मैंने उसे बता दिया था कि ये बहुत सुंदर है। अब देखते हैं, बाकी दो और सूट भी हैं तो उनमें से जो उसे अच्छा लगेगा वो ले सकती है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वन है, वो भी कुछ ऐसा ही थ्रेड वर्क है, वो हैंडवर्क एंड डिजिटल प्रिंटिंग का कॉम्बिनेशन है, काफी खूबसूरत है। उसका मटेरियल कॉटन नहीं है, उसका सैटिन प्लस सिल्क मिक्स है, बट उसमें कॉटन भी थोड़ा सा मिक्स है, तो काफी कूल है। अब आपको दिखाती हूँ है कौन। सो सेकंड सूट है गाइस ये, और इस पर प्रॉपर देखिए थ्रेड वर्क तो हुआ ही हुआ है, प्लस ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू पिंक एंड न्यूड शेड ऑरेंज, मतलब इसमें टोटल करीब 4-5 कलर है जो कि शायद हमें दिख भी ना रहे हो, जैसे कि ये थोड़ा ग्रेश, पिंक, ब्लू, ऑरेंज एंड ये थोड़ा सा लेमन वाला कलर, तो इतने सारे कलर है इसमें। एंड इसके नेक का जो पैटर्न है वो सिंपल शोवर सा ऐसा है, एंड इसमें भी फ्रंट एंड बैक दोनों पर वर्क अच्छे से हुआ है। एंड इसका जो नीचे का पोर्शन है उस पर ये छोटा सा लेस लगा है, लेकिन ये भी अलग से नहीं लगा है, ये इसी सूट का प्रॉपर हिस्सा है जिस पर वर्क हुआ है। नीचे ये लीस लगी हुई है पतली सी, जो कि बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा है गाइस। और इसका जो पजामा है उसका फैब्रिक है ये, कॉम्बिनेशन काफी कूल है, सामने से कुछ ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीजें वीडियोस में उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी सामने से लग रही होती हैं। तो ये सूट भी 1000 का है और लेस करा करके मैंने टोटल प्राइस आपको मेंशन उसी ब्लॉग में कर दिया था, तो आप वो ब्लॉग जाकर जरूर देखना, उसमें और भी कलेक्शन है जो कि बहुत प्यारे प्यारे हैं। एंड जो इसका दुपट्टा है वो कुछ ऐसा सा है,
और इस पर भी ये छोटू सा लेस लगा है, जैसे एंड में बॉर्डर बना हुआ है सूट के, वैसा दुपट्टे के बॉर्डर में बना हुआ है, सेम लेस लगी हुई है। और इसका दुपट्टा भी बहुत डिसेंट है, मतलब ये कॉटन नहीं है, सिल्क नहीं है, इसे कौन सा बोलते हैं, आई थॉट इसे ऑर्गेन्जा बोलते हैं, ये वैसा फैब्रिक है, थोड़ा सा हार्ड सा, तो काफ़ी कूल लगने वाला है ये स्ट्रिच होने के बाद। ये सूट है मेरी खाला के लिए, खाला मीन्स मम्मा सी माँ सी। बाकी देखते हैं भैया, तीन सूट है, इनमें से जिनको एक्सचेंज करना होगा वो तीनों कर सकती है, ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं, बट मैंने पर्सनली जिनके लिए चूज़ किया है बस उनको अच्छा लग जाए। ओके सो दुपट्टे के साथ सूट बहुत कूल है गाइस। ओके सो लास्ट वन बहुत प्यारा है, और ये मेरी मम्मा के लिए है, बस इस सूट को कोई छीने नहीं, वरना अच्छे सूट सब ले लेते हैं यार। और मेरी बहन, नो कमेंट्स। तो मेरी बहन का सीन कुछ ऐसा है कि उसे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगा तो वो ले लेती है, बट मैंने सबके हिसाब से चूज़ किया है, तो आई थॉट ऐसा होना नहीं चाहिए। और छोटा छोटा सा इस पर वर्क है, और इसका जो डिज़ाइन है इस पूरे पे ये थ्रेड है, एक लाइनिंग में सीक्वेंस है, दोनों का मिक्स है, और इसका दुपट्टा भी काफ़ी कूल है। बट पहले आपको सूट दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूल है, तो ये देख लें, और इसका बॉर्डर भी कुछ ऐसा है, और ये सूट, एंड इसका नेक बहुत सिंपल डिसेंट सा है, ध्यान से देखो। और इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा, और इसका जो लाइनिंग अंदर का दिया हुआ है, आई थॉट ये स्लीव है, तो ये स्लीव का फैब्रिक है। इसका जो पजामे के लिए दिया हुआ है वो ये है, ये सिल्क है, और इसका कलर जो है लेमन शेड में है, बहुत लाइट सा लेमन। और इस पर भी फ्रंट एंड बैक दोनों पर डिज़ाइन है, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइस आपको बता देती हूँ, इसमें तीन कलर हैं, ये हल्का सा ऑरेंज है, बहुत लाइट सा, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, एंड ये थोड़ा सा ऑफ वाइट है, एंड ये है थोड़ा सा लाइट ग्रेइश कलर, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है। एंड जो इस पर वर्क हुआ है वो गोल्डन कलर, गोल्डन एंड सिल्वर से हुआ है, जैसे इस पर ये गोल्डन हुआ है एंड इस वाले पर सिल्वर हुआ है, तो इसमें पांच कलर कॉम्बिनेशन बनाया है। सूट की लेंथ और जो चौड़ाई लंबाई काफ़ी सारी है, तो मतलब जिस तरह का सूट बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। बाकी इसके बॉर्डर पर भी देखिए छोटू सा डिज़ाइन बनाया, मतलब इसका ही वर्क है, पार्ट है छोटा सा। बाकी मुझे इसका ये नेक डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट सा लग रहा था, ये इस पर पर्ल का वर्क हुआ है, प्लस सीप स्टोन्स और इनका ही कॉम्बिनेशन है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो काफ़ी डिसेंट सूट है। और इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा बिल्कुल वैसा है जैसे पिंक वाले सूट का था, ऑर्गेन्जा फैब्रिक एंड बॉर्डर वैसा जैसे इस सूट के एंड में है, लेस वैसी जैसे आई थॉट इसमें लेस था, इसके भी एंड में ये लेस लगी हुई है, और इस दुपट्टे की भी एंड में लेस लगी हुई है। गाइस बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि बाहर रोशनी की वजह से मैं बैठ करके ब्लॉग बना रही हूँ, एंड मेरे रूम में लाइट नहीं है, मतलब लाइट लाइट नहीं है, लाइट कम है, तो दैट्स व्हाई मेरे को बाहर बैठ के बनाना पड़ रहा है, तो गाइस थोड़ा सा अरेंज कर लेना। तो ये सूट है फॉर माई लविंग मॉम, आई होप उनको पसंद आए, बस मेरी पसंद तो उतनी बुरी नहीं है, मतलब मेरी पसंद की हुई चीज़ें सबको अच्छी लगती है, बट देखते हैं। डाउट इसलिए है क्योंकि मैंने व्लॉग डाल दिया है, और व्लॉग में इतने प्यारे प्यारे सूट थे ना कि सब बोल रहे थे ये वाला ज़्यादा प्यार था, ये वाला ज़्यादा प्यार था, बट मैंने उनसे बोला कि मैं सामने से देख कर आई हूँ, और बहुत सारे सूट में से ढूंढ ढूंढ के मैंने तीन पीस निकाले हैं, तो इट मीन्स मैंने बहुत अच्छा सूट निकाला है, इस बात का यकीन मैं उनको दिला चुकी हूँ। बट इसके लिए व्लॉग देख करके उनको कुछ ज़्यादा यकीन आ जाए, क्योंकि वो पिछला वाला जो व्लॉग है ना आप भी देख लो, उस वाले व्लॉग को देखने के बाद उनको लगा कि उसमें और भी ज़्यादा प्यारे सूट थे, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने लाइव देखा है। तो आप भी गाइस जाओ, और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, रास्ते वास्ते सारा कुछ आपको लास्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा किस तरह से मैं गई हूँ, और आप कैसे जा सकते हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आप पागल हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपने ना पॉकेट वॉकेट को टाइट करके जाना, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पसंद आने वाली है, सो देख लेना। एंड अभी मुझे कुछ शॉपिंग और करनी है, तो जब मैं करूँगी बाकी का व्लॉग आपको बाद में दिखाती होंगी, ठीक है। बाकी मेनली जो चीज़ें थी तो मुझे लगा कि आप दिखा देना चाहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट 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 करते पता नहीं कब आएंगे वो सारे व्लॉग्स, सो इसको प्रायोरिटी पे रखते हुए मैंने ये व्लॉग बना डाला। बाकी आगे सामान लेती रहूँगी और आपको व्लॉग में दिखाती रहूँगी।
ठीक है। बाकी मैंने थोड़ी बड़ी शॉपिंग अपने छोटे भाई के लिए भी करी थी, बाकी मेरा एक भाई तो इंडिया में नहीं है तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, मैंने ये टॉवल भी लिया था और ये भी मैंने चांदनी चौक से लिया था। इसका मटेरियल जो है, मतलब मेरे पास 2-3 टॉवल हैं और एक तो मेरे पास गिफ्टेड है, दूसरा मेरे पास ट्यूलिप का है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये इतना सॉफ्ट है, प्लस इतना ज़्यादा मोटा सा है, मतलब मेरे पास जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है बट बहुत लाइट पतला सा होता है ना वैसा है। और ये जो है ये काफ़ी बड़ा, ऐसे देखिए आप, बड़ा लेंथ इसकी बहुत है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है, प्लस ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। और इसका प्राइस है गाइस 200 रुपीज़ में, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कूल है। और ये मैंने लिया है घर के लिए तो मैं घर पर दे दूँगी, ठीक है। बाकी मेरे पास तीन टॉवल हैं मेरे पास, एक से मैं मुँह पोछती हूँ, एक मैं बालों के लिए रखती हूँ, एक बॉडी के लिए रखती हूँ, मतलब हद लेवल की कलेक्शन है मेरी। तो जब मैंने ये चौथा लिया तो मुझे लगा कि यार मुझे नहीं लेना चाहिए, बट मम्मी को अच्छा लगा मैंने ले लिया। जब ले लिया तो मैंने सोचा कोई नहीं घर पे दे दूंगी यार, तो आप भी जाओ ना ले लेना यार, 200 रुपीज़ में और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आता लग हो गई 200 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा टॉवल मिल रहा है ना, तो आप ले लो, फिर देख लेना आपको क्या करना। एंड मैंने एक और सूट लिया था, ये भी मेरी टोटो के लिए है। एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरे को था कि उसके लिए मैं लाजपत से बैग खरीदूंगी, उसको बैग चाहिए था। एंड मैंने कुछ जावेरी पर्ल्स के नेकलेसेस मंगा रखे थे उसकी शादी के टाइम पे जो मैंने नहीं पहने थे, तो अब मैंने सोचा कि उसको दे देते हैं क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है तो वो पहन सकती है। बाकी वो तो थे ही, उसको चाहिए थे बैग, उसको चाहिए थे डिसेंट से सूट, तो मैंने ये लिया था। और ये मैंने लिया था करोल बाग से और ये डबल एक्सल है, उसे थोड़ा फिट करना पड़ेगा बट लेंथ के अकॉर्डिंग काफ़ी कूल है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। और कलर, मेन बात इसका कलर बहुत प्यारा है और ये मुझे 450 में मिल गया था सर, हाँ पता नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं है बट हाँ ऐसे ही कुछ 450 एंड 400 के रेंज में रहा होगा, ठीक है। और ये देखिए इसका स्लीव, इसका नेक, इसका डिज़ाइन जिस पर ये लेस है और इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा है, बहुत प्यारा है। और इसका जो फैब्रिक मटेरियल है ना, ये काफ़ी कूल है, मतलब ये कॉटन भी नहीं है, रफ एंड टफ वाला कॉटन नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ वाला भी फैब्रिक नहीं है, मिक्स है, काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है पहनने में और ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, इस पर रोए भी नहीं आएंगे और इसका कलर भी नहीं जाएगा। तो ये 450 की रेंज में, गो फॉर इट गाइस, ले लो। आए, आए, मेरी लिपस्टिक लग गई इस पर कोई नहीं, मैं उसे कह दूंगी ये मेरा प्यार है और रखो। ये देखो मैं लिपस्टिक लगा दी अपनी, तो ये रहा कुर्ता एंड इसका पजामा। उसको पजामे पॉकेट वाले बहुत पसंद है बट इसमें पजामे में पॉकेट नहीं है, बट कोई नहीं। और इसका ये नीचे का लेस थोड़ा सा ही ना कट पिट करना पड़ेगा, मतलब कट करना पड़ेगा, ये निकलेगा नहीं, बस ये थोड़े थोड़े से थ्रेड हैं ऐसे भी निकल रहे हैं, वैसे सीजर से कट कर देंगे काम हो गया इसका। क्या कहते हो, 400 की रेंज में वर्थ है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकी मुझे तो यार बहुत प्यारा लगा, आप देख लो। ओके नाउ लेडीज के बहुत सारे हो गए, अब बात कर लेते हैं मेरे छोटू भाई के लिए। तो मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक वॉच खरीदी थी, ग्रे कलर की है, काफ़ी कूल है और ये मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखा दिया था, तो जाकर विजिट करो, उसका भी प्राइस मेंशन है और भी वॉचेस के कलेक्शन उसमें दिए हुए हैं, तो जाइए देखिए मज़े करिए और एड्रेस भी है। तो दिस इज़ फॉर माई लिटिल छोटू भाई एंड उसके लिए मैंने और भी चीज़ें ली हैं, और भी चीज़ें लेनी हैं क्योंकि वही है घर पे छोटा यार। सबसे पहले मैंने ली है ये ब्लैक जीन्स, अरमानी लिखा हुआ है इस पर, अरमानी लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट एक जॉगर्स है कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे उसका साइज नहीं पता है तो ये टाइट भी कर सकता है, वरना कहेगा क्या ही लेकर आई है,
तो इसलिए बाकी वो हाइट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम सबसे बहुत छोटा है। इसका फैब्रिक बहुत कूल है, ये भी मैंने शायद चांदनी चौक से ही लिया था। यस, और मैंने इसके साथ साथ दो टी शर्ट्स भी लिए हैं, ये मैंगो की है। तो ये है उसके लिए टी शर्ट ब्लैक, और इस पर लिखा हुआ है पोलो। ये मुझे मिली है 200 रुपीज की। और एक और भी है टी शर्ट, वेट अ बिट गाइस, एक ये टी शर्ट है प्लेन ब्लू। मुझे प्लेन चीज़ें पता नहीं क्यों इतनी प्यारी लगती है, बट उसको भी अच्छी लगेगी क्योंकि मैं उसको गिफ्ट कर रही हूँ, तो कहेगा यार क्या ही लेकर आई है, तो देखते हैं। और ये भी मुझे मिली है 200 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की। बाकी अभी उसके लिए लेना है मुझे कुर्ता और भी टी शर्ट एंड शर्ट, और मुझे दो मामू के लिए लेना है कुर्ता, मामू मामा, तो मेरे दो मामा के लिए लेना है कुर्ता पजामे का सेट। और गाइस मेरा एक बैग भर चुका है और मुझे जाना है घर, और रमज़ान का महीना होगा, मैं रोज़े रख कर जाऊँगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये दो बैग उठाऊँगी कैसे। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये मेरे लिए, प्लस इतना सारा सामान घर के लिए, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपना सामान किस में रखूँगी। वैसे मेरे पास 3 बैग हैं, लेकिन मेरे को कैरी करके ले जाना, मतलब मैं पैकिंग तो कर लूँगी, सामान भी रख दूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन उठाना बहुत बड़ी बात है। तो इस स्ट्रगल को मैं तब दिखाऊंगी जब मैं जा रही होंगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया चांदनी चौक का व्लॉग, मतलब चांदनी चौक की शॉपिंग व्लॉग। इसके अलावा मैंने परोल बाग से और क्या क्या लिया था खुद के लिए वो देखते हैं आगे, क्योंकि मैंने वो पार्ट वाइज बनाया था, मतलब जब मैं लेकर आई थी तभी मैंने उसको शूट कर लिया था, बट मैं और भी चीज़ें ले आई, तो मैं तो रियलाइज हुआ कि यार जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे इसके साथ अटैच कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं परोल बाग से मैंने खुद के लिए क्या क्या लिया था। फैन ऑफ किया जाए वरना मेरे व्लॉग में होगी डिस्टर्बेंस। एड को मैं बंद करूंगी क्योंकि मुझे सुनना है गाना, तब मेरे अंदर आएगा फ्लो। 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, 0, टू टू टू। ओके गाइस, तो ये शर्ट मैंने ली है करोल बाग से, जो कि भैया ने बताया था 400 रुपीज, बट ये मिली है मुझे 350 रुपीज की। और इसकी बेस्ट पार्ट बताती हूँ, देखो वैसे तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था, पर इसका यूनिक जो पार्ट है ना वो ये बटन, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रेड कलर से, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। पहले मैंने देखा ऐसे झटके में, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं अंदर गई, मैंने और भी देखा, और मैं देखती रही देखती रही देखती रही, मतलब मेरा मन आ चुका था, पर बार्गिन कराने की कोशिश में। लास्ट टाइम मेरे को किसी ने एडवाइस दिया गया था कि आप जब जाओ ना तो एक फिक्स प्राइस बोला कि मैं इतने का लूंगी, ठीक है, फिर वो बार्गिन कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, मेरा पार्ट नहीं होता बार्गिन कराने का। लेकिन मैं आपको वो प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो उनको बोला कि 300, ठीक है, नहीं 250, तो उन्होंने बोला नहीं हो नहीं पाएगा, फिर हम 3 पे शिफ्ट कर गए, फिर बोले नहीं लास्ट 350 देंगे, और फिर हमने बोला कि ठीक है नहीं लेंगे हम, चलो। और हम गए पेट पूजा करके आए, और पेट पूजा वहीं चंपारण ढाबा से किया था, वो भी आपने व्लॉग में देखा, उसके बाद फिर गए और इसको लेकर आ गए। तो ये थी स्टोरी इस शर्ट की, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था, और ये शर्ट 350 मेरी हो गई है। और इसका एक चीज अच्छा नहीं है, ये जो डॉट डॉट है ना, इसे मैं निकाल दूंगी ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये कुर्ता, कुर्ता फ्रॉक शर्ट जो भी कह लो, ऐसे कूल है, और ये मुझे मिला है 200 रुपीज का। और यहाँ पे ये जो गोल्डन गोल्डन लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा शाइन कर रहा है, तो इस वजह से और भी यूनिक लग रहा है। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है बटन, ये है पूरा प्रॉपर फ्रॉक स्टाइल में, एंड ये जो डोरी दी हुई है इससे आप अपने साइज का बना सकते हो, तो इसमें फिटिंग की जरूरत नहीं है, बट ये एक्सल साइज है, बट इसको फिर भी मैं अपने अपने ऊपर डाल सकती हूँ। ठीक है, ये भी है 400 रुपीज का। उसके बाद मेरे पास ये जीन्स है, तो करोल बाग में हम उस शॉप पर गए थे जहाँ पर एक्सपोर्ट के माल आते हैं, तो वहां से मैंने ये लिया है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, फिटिंग भी अच्छा है, क्योंकि वहां पर कलेक्शन तो बहुत सारे थे बट मेरे साइज के नहीं मिल रहे थे, तो एक जो मेरे साइज का मिला था वो ये, और बाकी मैं उनसे बोल कर आई हूँ कि मुझे और भी चीजें ले आए, तो जब वो आ जाएगा तो मैं जाकर के शॉपिंग कर सकती हूँ। और अभी मैं सिर्फ ये लेकर आई हूँ, और ये मुझे मिला है 1000 रुपीज का। गाइज ये इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस में वो सेल करते हैं, वो 1600 का बेचते हैं, बट बार्गिन वार्गिन करा करके मेरे को मिल गया 1000 रुपीज में। एक और जो मैंने लिया है, मैं अपने हाथ पे पहन के नहीं दिखा सकती, वरना ये मेरे हाथ पे तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी,
मैंने वहीं पर दिखा दिया था आपको, तो ये देखिए जितना बड़ा वॉच उतना बड़ा हाथ। इसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है गाइस, आप जाओ वहाँ पे खुद एक्सप्लोर करो। ओके तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते रहिएगा दिल से पैसे की वॉचिंग। बाय गाइस, बाय बाय।